हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में फ्लैग्स के बारे में बता रहे थे, फ्लैग्स के एक्सपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। अब जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा वो ज़रूर देखे, पार्ट टू भी देखे, और ये है पार्ट थ्री। आपको इसमें फ्लैग्स के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसमें हम बता रहे हैं कि फ्लैग्स के एक्सपोर्ट क्या फ़ायदेमंद है या नहीं, दूसरा कितनी इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है, तीसरा कौन से देश इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कराएंगे, कहाँ बायर आपको मिलेगा, कौन सी क्वालिटी फ्लैग्स की एक्सपोर्ट की जाती है, कितने टाइप ऑफ फ्लैग्स होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले होलसेल मार्केट फ्लैग्स की, जहाँ से आपको बने बनाए फ्लैग्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि फ्लैग्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ है। देखिए, अगर आपको कम क्वांटिटी में चाहिए तो आप होलसेल मार्केट में चले जाइए, और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो फिर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले होलसेल मार्केट या मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के बारे में बताने से अच्छा पहले मैं आपको फ्लैग्स के एचएस कोड के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये एचएस कोड जब आप काम करें तो खुद भी एक बार चेक कर लें। फ्लैग्स का एचएस कोड है 6307901010। नोट कर लीजिए 6307901010। इवन 6307909090, ये दो एचएस कोड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें मटेरियल का डिफरेंस आता है। देखिए, एक चीज़ समझिए, सिल्क का एचएस कोड अलग होगा, कॉटन का एचएस कोड अलग होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आप गारमेंट्स में डील करते हैं, फ्लैग्स में डील करते हैं, तो एचएस कोड की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एचएस कोड की नॉलेज नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, बिना सीखे इसको मत करिए। हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसमें हम पोर्ट विजिट भी कराते हैं, और दिल्ली में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है उसमें आपकी फूड और स्टे की भी फैसिलिटी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, पूरा अरेंजमेंट आपको यहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आज ही कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए, अब एचएस कोड के बाद हम बात करते हैं होलसेल मार्केट, जहां से आपको ये फ्लैग्स सस्ते मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा होलसेल मार्केट मिलेगी टेक्सटाइल की, और बहुत ही अच्छी रेंज मिलेगी, और फैब्रिक्स भी बहुत अलग अलग तरीके के मिलेंगे इसके अंदर। सबसे पहले अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो चांदनी चौक इसका सबसे बड़ा हब है, जहाँ पे अलग अलग तरीके की टेक्सटाइल शॉप्स मिल जाएंगी, अलग अलग फैब्रिक मिल जाएगा, तो फ्लैग्स भी आपको ईजिली मिल जाएंगे, और डिफरेंट क्वालिटी के और डिफरेंट प्राइस पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो भुवनेश्वर मार्केट चले जाइए, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स और उसके अलग अलग फैब्रिक्स मिल जाएंगे। अगर आप सूरत से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में चले जाइए, यहाँ पे भी आपको फ्लैग्स मिल जाएंगे। अगर आप अहमदाबाद जाते हैं तो वहाँ पे गांधीनगर मार्केट है, तो वहाँ से भी आपको फ्लैग्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप चेन्नई जाते हैं तो चेन्नई टेक्सटाइल हब है, तो वहाँ से भी फ्लैग्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो कोलकाता में बड़ा बाजार है, जो कि एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहाँ से भी आपको डिफरेंट क्वालिटी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप हैदराबाद जनरल बाज़ार चले जाएंगे तो यहाँ से भी आपको फ्लैग्स इजीली मिल जाएंगे। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो जयपुर टेक्सटाइल मार्केट है, तो यहाँ पे से आपको फ्लैग्स मिल जाएंगे। कोयंबटूर से बिलोंग करते हैं तो कोयंबटूर में भी टेक्सटाइल मार्केट है, तो यहाँ से भी आपको फ्लैग्स मिल जाएंगे। इवन अगर मैं बात करूँ पानीपत की, जो कि एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है, तो पानीपत में भी आपको ये फ्लैग्स ईजिली मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो हमें ये नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि भैया होलसेल मार्केट कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कहाँ हो रही होगी। यही हमारी यूएसपी है, इसीलिए मैं कहता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पहले सीखें और फिर करें, मज़ा तभी आएगा। अदरवाइज क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, पहले नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद काम शुरू करिए। अब हम बात करते हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे मुझे फ्लैग्स के, क्योंकि भैया अगर बड़ा ऑर्डर मिल गया तो भैया होलसेलर से तो सस्ता मुझे मैन्युफैक्चरर देगा, तो मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाना। चलिए बात करते हैं
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको मुंबई में मिल जाएगी, महाराष्ट्र में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको टेक्सटाइल, कॉटन और सिंथेटिक फैब्रिक के मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएंगे। इवन गुजरात में अहमदाबाद जाना जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी मिल्स मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आप कोयम्बटूर पहुँच जाइए, जो कि कॉटन हब है। अलग अलग तरीके की कॉटन स्पिनिंग मिल्स आपको मिल जाएंगी और टेक्सटाइल मशीन की मैन्युफैक्चरिंग भी होती। कल को अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहे तो वो मशीन भी आप यहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश चले जाइए, कानपुर एक बहुत बड़ा हब है, तो कानपुर से आप फ्लैग परचेज कर सकते हैं। इसके बाद तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में तिरुपुर चले जाइए, तिरुपुर से आप फ्लैग परचेज कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी में भी इसकी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग है। हरियाणा में पानीपत में होलसेल मार्केट भी है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, तो यहाँ से भी आपको डबल फायदा हो जाएगा। इवन पंजाब में भी लुधियाना में बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ से आपको फ्लैग्स मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल में कोलकाता चले जाइए, कोलकाता से मिल जाएगा। तमिलनाडु में इरोड में भी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो यहाँ से भी आपको फ्लैग्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है ना। आँख बंद करके कहीं भी पैसा मत लगाइए, तो ये ध्यान में रखिए। एक प्रोडक्ट को समझिए, जानिए और फिर काम करिए, तभी बायर मिलता है और तभी आप क्रैक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बिजनेस सीखना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना है, तो ज़रूर रोज़ के रोज़ हम वीडियो डालते रहते हैं, वीडियो देखते रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I'm